कोई बात उन्हें समय नहीं संसार में
तुम्हें संसार के पार होना है, आत्महित ही करना, तुम्हें अपना हित करना, तो हित करने के लिए विशेषी कौन हो सकता है इसको पहचान। जिन्होंने अपना हित किया है, जो अपना हित करने में अत्यंत सावधान है, ऐसे देव का गुरु ही हमारे सच्चे गुरु है। ये मोही प्राणी परिवार हो चाहे कोई, ये मोही प्राणी हमारे सच्चे जीते हैं कहती है, लेकिन है कैसे सत्य कह रहे हो आप, ये अनुकूल शत्रु है। सुनने के वो बहने अनुकूल दिखते पानीदान अभी जाकर तुम्हें उठाना भी नहीं पड़ेगा, ला कर आपने कह दिया हमारी बहू से अच्छी है तो स्वाध्याय की प्रेरणा करना चाहिए, सामाय की प्रेरणा करेंगे दादाजी अपने स्वरूप को मत पूजा। तो अच्छी मांगने पानी दे दिया इसमें आपने अच्छे हुआ सब्जी जल कहाँ जा रहे दादा सब्जी जल लड़की निकाला हो गया हाँ लड़का मारा क्या उनके उदय में अनुकूल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मुक्त मार्ग में अनुकूल नहीं। ही उर्वशी जी अंगनाएं संगनी संसार, मुक्त मार्ग में दो नहीं है, मुक्त मार्ग में एक, संसार मार्ग अकेले का नहीं। जरा सा हम ऐसे कई बात करेंगे तो कहेंगे कब कम देंगे, अरे पंच बन विद्या बाहर निकलो तो पंच बने वो अपने साथ रखो संग रखो, वे तुम्हें भटकने नहीं देंगे। चाहे किसी को जन कर रहे इनको संग लेवाया, अरे इनका क्या करेंगे, हम कोई झंका आदमी हो आप जाओगे तो संग ढूंढोगे ही नहीं, लेकिन क्या किसी का संग। तो मोक्ष मार्ग में पंच परमेश्वरों का संग दिखोगे कि क्या किसी का संग करो। और हम आपसे कहते हैं ज्ञानियों में संग होता है संग नहीं होता, चतुर्विध संग और अंतर का संग, संग माने परिकर, बाहर का संग परिकर, अंतर चतुर भेद बार संग दर्शन, संग माने परिकर और संग माने समूह। किसको संग दे गए हो, क्या संग दे गए हो, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है प्रसन्न का प्रसन्नकार तेजी दाता मंगलाचरण की जो कही है पांच दाताएं कहीं उसकी चीजन का जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, सवेरे उठ करके इनका नाम लो, अरे सवेरे उठ करके इनका नाम लो हर काम के पहले इनका नाम और भागा भाव जीव भाव तुम्हारे में कहां से आ गया, इनके में तो है ये कब छूटे, हमारी दुकान कब छूटे, हमारा परिवार का मोह कब छूटे, ये सोचो कब छूटे कब छूटे। अरे जब तुम अपने को सुन लोगे तब छूटे, अपने आप छूट जाएगा जब अपने आप पर दृष्टि होगी, जब अपने आप पर दृष्टि नहीं है अपने इसका विचार नहीं है तो फिर छूटेगा अपने आप, ये तो प्रमाद की बातें हैं, ये तो अपने आप छूट जाए। कभी तुमने लौकिक कार्यों को अपने आप पर छोड़ा है, तो मोक्ष मार्ग को अपने आप पर क्यों छोड़ रहे, वे तो अपने आप छूट जाएंगे आकाश भाव,
आपको छोड़ो ये कमा जी बहुत बुरी है। लड़के ने कहा बेटा वो अम्मा अब तो जावत हाँ छोड़ दे तुम बेटा मरगट में सब जाए। ये उनका उत्तर था परिवार को छोड़ा। ज्ञानानंद साहब का छात्र है एक चर्चा बहुत सुंदर है। जंगल की गुफाएं मानो तुम्हें बुला यहां ध्यान खूब तुम्हारा लगेगा कोई कहने वाला नहीं कोई सुनने वाला नहीं। यहां बैठ जाएंगे क्या रहेंगे रोटी पक्का रुपये पानी का पीने गर्मी बढ़ जाए अरे गर्मी बढ़ जाएगी मुंह बढ़ जाएगा उठेंगे तो कथा बढ़ जाएंगी उठेंगे तो पर्ची और देखेंगे तो क्या होगा उसकी सोच। यहां ध्यान में विघ्न करने वाली बहुत है। अगर कोई सो रहा हो तो ये आएंगे लौट जाएंगे कोने चलो ने एक भक्ति एक भक्ति एक भक्ति कहोगे और सो रहे हो ऐसा भी ख्याल रहेंगे सो नहीं अपनी मुश्किल से निकल के शरीर का मोह तो है लेकिन आत्मा की चिंता रहता है। ये हमारा भी कर्तव्य है जब तुम जानो जन जपते हैं तब जनवाणी पढ़े समाधि मन पढ़ रहे थे साधर्मी निकट हो धर्मात्मा निकट हो तुम धर्मात्मा से दूर रहोगे तो निकट कैसे आए। अरे धर्मात्माओं के निकट तुम्हें जाना पड़ेगा वे तुम्हारे पास नहीं आए। तुम्हें याद है इतिहास एक बार चंद्रगुप्त से कहा कितने सिकंदर हारने के बाद कुछ चर्चा हो रही हो सिकंदर ने चंद्रगुप्त से कहा तुम्हारे यहां दिगंबर बनी होती हाँ दिगंबर फाल्गुनी होते बुलाओ उसको कि वे कभी दरबार में नहीं आते भगवान क्यों कि जो हमारे पास है उसको तो उन्होंने पैदा ही छोड़ दिया। हमें शांति की जब चाह होती तो उनके चरणों में समझते वे कभी दरबार में नहीं आते क्यों कुछ चाहना हो तो आए जिसको हमने इकट्ठा किया है उसे तो वे छोड़ गए हैं जीवन चिंतित अपने आप
जो उनके पास है उनके पास क्या है, तुम बाहर से देखते हो भीतर से देखो उनके पास क्या है। जिनके पास रत्न से है उसके पास क्या नहीं, लेकिन तुम्हें तो वो वैभव दिख रहा है, पद दिख रहा है, पद प्रतिष्ठा दिखती है, उनके पास क्या। अरे उनके पास शांति है, क्षमता है, रत्न से है, उनके पास विज्ञान की कला है, ऊपर से गाड़ी चलती है और नीचे से आप चलते हो, गाड़ी ऊपर तो नहीं आती क्यों। ऐसे भेद ज्ञान उनका अर्थ में चलता है, अंतर में बाहर में उन्हें पदार्थ हमें इस दिखने पर भी पुण्य के उदय में अंकुर होने पर भी कहीं भी फंसे नहीं है। कैसी भेद ज्ञान की धारा होगी, सामने बच्चा पाएगा और ये नहीं लग रहा है ये हमारा बच्चा, ये नहीं लग रहा है हम पालने वाले, विद्या धर से ऊपर से होता और देता पढ़ाए तुम्हें प्रभावना अंग के रंग में बज कुमार के पिता, बज कुमार की माता उसे स्वयं छोड़ दो। इस बच्चे का पालन कौन करे, तुम तो यहां चले आए। अरे कौन करेगा, जिसकी आयुर्वेद को पढ़ने वाला आता शुरू करे, और वही हुआ वे दिवाकर देव विद्याधर ऊपर से उठा, और वही रानी जिसके पुत्र नहीं था। रानी ने कहा, वो रानी से कहा राजा ने, गर्भ धारण करने की वेदना किसी और ने सही हो, तुम्हें तो पुत्र मिला है उठा। रानी ने उठाया और रख दिया, उठाया और रख दिया, क्यों तो तुम्हारी अन्य रानियों के पुत्र हैं उनके सामने हमारे इस बालक को कौन पूछे। वहीं से मिट्टी साई और तिलक किया, इस मिट्टी से तिलक करो, मिट्टी साई तिलक कर दिया, युवराज बना दिया। पुण्य के उदय के कार्य हैं ये, अरे क्षण भर में सिंहराज बन जाए, मुनराज बन जाए, जीवराज तो है ही, सिद्धराज बनने का लक्ष्य बन जाए। कुछ खबर यह कि तुख बन गई, जीवराज मुनराज सिद्धराज, अरे क्या सका वो सुखबंधी जोड़ने, सुखबंधी तो जोड़ना माने ये है सुख से सुख मिल जाए, दर्प से पर्याय मिल जाए, दर्प में क्षमता और पर्याय में भी क्षमता। इस बीतरागी मुद्रा को देखो, जैसा स्वरूप है वैसी परिणाम है, वैसी मुद्रा है वैसी। परमात्म प्रकाश की टीका में लिखा, ग्रंथ वाला निर्ग्रंथ चाहता उपदेश के, ये उपदेश निर्ग्रंथों को सोचता है। अनेकों उपदेश तो उनके जीवन से मिल जाते अपने आप, तुम्हारा वैभव असार तब तुम्हें बातचीत होता है जब उनके सामने खड़े। अरे उनके सामने खड़े होने पर तो मंद भाषित होता है, अपने सामने खड़े होने पर वह असार भाषित। जब शुद्धात्मा सार दिखेगी तब संसार असार दिखेगा, शुद्धात्मा सारभूत नहीं दिखेगा तो संसार में असार कहते रहोगे दिखेगा, संसार असार है किसका। हम आपसे कितनी बार कह चुके, कर्तव्य के समान बोझा नहीं, कर्तव्य का बोझा उतारने का है, हम कर रहे
कुत्ता गाड़ी चलाता है, हम फिरती चला रहे। अंतर क्या? हम ये संस्था चला रहे। अंतर क्या? हम नहीं चाहते होता स्वयं जड़ चेतन की जपण गंगई महामंत्री चले है पता जी में रहोगे तो कहां जाओगे? इससे पहले जी तुम्हें छोड़े उससे पहले तुम्हें सुख हो जाए। लेकिन हित के लिए छोड़ना, संसार के कार्य घर के काम करने के लिए नहीं छोड़ना, व्यापार करने के लिए मत छोड़। इस संस्था को छोड़ करके व्यापार करोगे तो क्या करोगे? इस संस्था को छोड़ करके अपना स्वहित साधो। धन्य मुनीश्वर आत्म हितम छोड़ दिया, छोड़ दिया कि पा लिया। अरे बाहर का परिवार छोड़ा, अपने अनंत गुण का परिवार प्राप्त कर। बाहर के चार बच्चे छोड़े और तुमने ये साधर्मियों का परिवार प्राप्त कर। सयुतान प्रति गीता की संघों की कैसे शब्द है? सयुतान प्रति सदभावना के सत्व भक्ति। तुमको साधर्मियों का अपना परिवार मिला है, कहीं कपटमय व्यवहार मत कर। कपट पी के अंगार थी, अंगारा की तू रहते अचुप, चुप रहने से काम छोड़ चलेगा। अंगारा किसको कहते हैं? जो स्वयं जले और जलते हुए इंजन को जलने में नहीं, स्वयं जले बिना अंगारा इंजन को जलाएगा? नहीं जलाएगा। नीति में कहा, ये तो धर्मशास्त्र है, नीति माने हमारी नीति माने चलना, सिद्धांत माने करना नहीं, वस्तु स्वभाव माने द्रव्य नहीं, उदाहरण माने प्रतिमान। अगर प्रतिमान योग नहीं पढ़ोगे तो टीवी और अखबार के दृष्टांत तो देव ही हम खाते हैं। वो सरल पढ़ते, अरे सरल नहीं पढ़ते, इनसे परिचय करो। अविनाश का समय नहीं है, ये अनुशासन का समय है। गुरुओं के अनुशासन में रहो। ऑनलाइन हम घर सुन लेते, अरे घर सुन लेते हो तो हर घर बंजर हो जाएगा क्या? घर की सुविधाएं छोड़ोगे कि नहीं? अब तो छोड़ो, व्यवहार की बात ये कहिए। मोह बड़े परिवार की संगत, परिवार की संगत में मोह बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है। प्रमाद बढ़ता है, मोह बढ़ता है, अब तुम्हें अच्छा लगता है, इसका मतलब है क्या? कर्तृत्व के समान पूजा नहीं है, सही सुन लिया हमने? इस पूजा को अब तो उतार से हो, कर्तव्य छोड़ो। छोड़ भजन घट गया, अरे घटो तो घट जाते, तुम्हें भजन ही नहीं है जब सुन तो। कितना भजन है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, अमूर्तिक आत्मा में भजन नहीं। संहिता भजन है, 60 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, जो कुछ भी हो शरीर का भजन। और शरीर भिन्न है तो अभी भजन भी कब अनुभव करोगे? भजन बढ़ गया, अरे आनंद बढ़ गया, ये सोचो। क्षमता बढ़ गई ये सोचो, भीतरता बढ़ रहा है, ऐसा उपाय करो। उस दिन कहा था आप, तीन नहीं आ रही,
नींद नहीं आ रही। अरे खूब स्वाध्याय करो, नींद तो भगवान को भी नहीं आती, नींद तो भगवान को नहीं आती। अरे नींद तो पूछो हम क्या करें, जिसकी लड़की 25 वर्ष की शादी के लिए बैठी हो नींद तो उसको भी, जिसे मोक्ष की चिंता है मोक्ष मार्ग की चिंता नींद कहां से आई, आराम से सो रहे। ये पुरानी भाषा है, ऐसा सो रहे हो जैसे घोड़ा बैंक सो रहे, कोई चिंता ही नहीं तुम्हें। इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति है, इस पर्याय की माने इस समागम की थोड़े काल स्थिति है, इस समय की थोड़े काल स्थिति है। हम भी बैठे और तुम भी बैठे, अभियोग लगा स्वाद और शांति तो करके बैठे हो, चित्त की अशांता नहीं है। हमने आपसे पूछा था, नहीं तो आज बता, यज्ञ आहार दान कर सकता है कि नहीं, क्या कहोगे क्या राय है? अरे आहार दान नहीं कर सका, लेकिन आहार दान की अनुमोदना करके आदि ईश्वर के साथ विचार और जीव हो गए के नहीं। आहार दान देने वाले को तो भले मन का दाया आया, अनुमोदना आए, अरे हम का करें, अरे तुम अच्छी कार्य की अनुमोदन सीख लो, ईशा करोगे इनका मंदिर अच्छा है, ईशा से का मिलो केवल पाप। अनुमोदना अच्छी कार्य की सीख लो, अच्छी आदमी की अनुमोदना करना सीखो, कुछ नहीं कर सकते। इनने बोली गई तो अनुमोदना तो कर ले, धन की व्यवस्था आपको बताई थी, सेवक बनो, सेवक कमाना मजबूरी है, दान देना जरूरी। नाव में पानी भजा है तो कौन पे एहसान करोगे पानी उड़ने के लिए, अरे डूबना नहीं हो तो उलझो, ऐसे परिके में तुम्हें डूबना नहीं हो तो उलझो, उलझो मने बर्बाद करो नहीं, बिना बीवे के नहीं पात्र पात्र के दान की पहचान के बिना। मरे एक भाई थी लगभग 80 वर्ष की उम्र, मंदिर में कजू का वो माला बेच करके अपनी आजीविका पैसा इकट्ठे करते थे, अजीब बात समझ जाएंगे क्या सुबह घर से निकल आएंगे कब से कहा मीटिंग हो रही काय की बस तो सोची मैंने एक भाई बंदा दो भाई एक भाई बन भाई एक प्रतिभा भैया एक जितम आगे ऐसे करते हैं और कभी कभी कह देने लगते हैं इन मंदिरों में खेती झगड़ी होती है इनके फैक्ट्री धोनी चलती है वो कमाने के स्थान है ये लगाने के स्थान वहां कमाया और यहां लगाया। अरे कमाने के स्थान और लगाने के स्थान तो तुमने सुन लिए, लेकिन उपयोग लगाने के स्थान उपयोग लगाना सीखो। जिसकी कमी दिया कौन मुझे करता नहीं देगा, दो लख में डाल दिया बस है उसे बड़ी खाली। अरे घर में जाती हो छोटी बच्चे के लिए भी कुछ फल ले आओगे, चाचा हमारे कल आए, बच्चा पूछेगा उससे पहले ही अपन दे देते बच्चे के खिलौना केरा जो कुछ भी हो
मंदिर की लकत नहीं, सारे बाजार में मंदिर के लिए कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारे हृदय में मंदिर का स्थान है, अगर मंदिर का स्थान हो तो कैसे भूल जाओ? हम भूल गए, हमें याद नहीं, आज लाए के सकते, तुम्हारे ऊपर एहसान करने की बात नहीं है, बात उपयोग लगाने की है। वो कमाने के स्थान है, ये लगाने के स्थान, लेकिन क्या लगा? उपयोग सबसे पहले लगाओ, उपयोग लगेगा तो सब लगेगा, समय भी लगेगा और शक्ति भी लगेगी और बुद्धि भी लगेगी। ये सुना पड़ा अच्छा नहीं था, यहां पूजा देखते क्यों होगी? ये प्रतीक नहीं, शांति होना चाहिए। अच्छा, इसकी संभाल कौन करता है? ये कर्मचारी, कर्मचारियों के भविष्य जुड़ा है। अरे भगवान की भक्ति पढ़ो, जो ज्ञात हो भक्त भव, अब हो भवो समान मेरी, मैं सदा हो भवो स्वामी मेरे, आपकी आज्ञा के अनुसार प्रवर्तन हो गए हमारा, जैसा आप मानती हो, जैसा आप कहती हो वैसी माने हम। हो भगो स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहा। और ये तो जानते हो, बहुत यत्न से सेवा करने की बात है राजा। सेवक माने इच्छा कटने, निष्काम भक्ति और निर्वांचकता, जैन दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें भी आचरण रखोगे, उसमें भी आचरण रखोगे, अभिलाषा रखोगे, भीतर बनकर कैसे कहोगे? हो भव भक्त मेरे, हो भव स्वाम मेरे, मैं सदा सेवक करूं। सेवका ही करना है, तुम्हें सेवा करनी है, किसकी सेवा करोगे? इन परमेश्वर भगवान की सेवा करो, रत्नाकर की सेवा करो, जिन शासन की सेवा करो। हो भव स्वाम मैं सदा सेवक रहूं, सदा सेवक माने सदा जागृत। उपयोग लगाना सीखेंगे तो ये तो अपने आप हो जाए। इनके भोजन का समय हो गया, अब अगर उपयोग लगाओगे तो खाओगे, अपने आप भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, करोगे कि नहीं? लेकिन उपयोग लगाओगे। बड़ी संस्था बनाई, हाथ जोड़ करके कमरे कमरे में पूछे, भैया इस मेले ठेले में भीड़ में तकलीफ तो होती होगी, क्या कर? भोजन स्वयं वहीं बैठ गए, हम तो देखे बैठ, उनको कैसे भोजन मिलता है? हमें क्या मतलब? उपयोग लगेगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि क्या है की कमी, हमें तो क्या कमी है? आज प्रवचन का नहीं भाव, आज भक्ति का नहीं भाई। अरे प्रवचन भक्ति का है नहीं भाई, ये सोचो पंडित जी को बुखार आएगा कि नहीं? पूछो बुखार से, बुखार क्यों आ गया? तुम पूजा क्यों नहीं आए? अरे क्यों नहीं आए ये पूछते हो? मन्यान जैकेट के ठंडे पड़ने लगी तो पूजा कोई नहीं कर सकते। उपयोग लगाना जीरो, कहीं मत जाओ, सिद्धत की साधना करो, सिद्ध से आनंद का भेद ढूंढने लगो। सिद्धों की बातें करती
कैसी कर लेती, ये तो बोलती नहीं, उनकी तो इंद्रियां नहीं है, कैसी बातें कर रही हूं। अरे बातें माने बातें नहीं है, बातें मानी सिद्ध भगवान जैसी आनंद का भेदन करती है। सिद्ध जैसी आनंद का भेदन करने के लिए सिद्ध समान आनंद का स्वभाव का सिद्धांत करना पड़ेगा। जब तक सिद्ध जैसे स्वभाव का अंतर में विश्वास नहीं जगेगा, तब तक सिद्ध जैसे आनंद का भेदन। इसमें सब बातें गर्वित है, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारी जगह हम बैठे हैं तो मालूम पड़े क्या बच्चे थे। अच्छा साफ जब बैठोगे तो मालूम पड़ेगा, और नहीं तो कहोगे तुम्हें क्या कर। विचार करो, उपयोग के लगाने पर सर्वस्व लग जाता है। आचार्य भगवान के संबंध में परमात्मा प्रवचन सार ने कहा, जिन्होंने सर्वस्व किया, जिन्होंने आपको संस्कार धर्म के दिए उन्होंने क्या नहीं, जिन्होंने आज धन के लिए दीक्षा दी है उन्होंने क्या नहीं। अब तुम भटक जाओगे, तुम्हारी बुद्धि है, तुम भटक जाओगे, तुम्हारे दोष है, मार्ग का दोष नहीं है। स्वयं शुद्ध से मार्ग से बाला तक जना से आओ, मार्ग तो शुद्ध है। अब तुम मोह में भट गए, हम क्या करें। इनको क्लेश है, इनकी कसाय करें, हम क्या करें। ये ब्रह्मचारी हो गए इसलिए क्लेश हो रही है, ब्रह्मचारी होने पर भी अपने को मान लेने पर भी अंतर में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं, इसलिए क्लेश है। एक बच्चा मन हम तो ब्रह्मचर्य व्रत आपसे लेंगे, आने का भैया हम देख क्यों, ये बताओ क्यों क्यों नहीं। हमने कहा पीछे से बात नहीं मानती, स्वच्छंद पीते इसलिए नहीं देते। अगर जीना है तो फिर जिम्मेदारी की है कि नहीं, बच्चे को जन्म देना और छोड़ दिया ये कोई बात नहीं, अपराध है ये कि नहीं। बच्चे को जन्म दिया है तो उसको संस्कार कौन देगा, संस्कार पंडित जी जाएंगे। अरे पंडित जी संस्कार तक जाएंगे जब पंडित जी के पास भेजते, पंडित जी के पास भी नहीं भेजोगे तो संस्कार का घर दे आएंगे। अरे बच्चे को जन्म देने की जिम्मेदारी तुमने उठाई तो संस्कार देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तो देखो भाई, बच्चे बड़ों से कहने लगे, तुमने हमें कहो था जिन्होंने संस्कार किया कभी नहीं बोला चाहिए, क्या क्या दे सकते हैं ये बता, क्या दे सकते हैं, केवल पैसा, केवल राज, केवल वैभव, संपदा। अरे पुण्य के वजह से ज्यादा में गुरुओं के संबंध में लिखा प्रवचन सार की जिन्होंने हमें सर्वस्व दिया। दिगंबर दर्श क्या देंगे, क्या नहीं किया, अगर छुट्टी होना गैर ये भैया भेद नहीं होता, रूप होता है दिगंबर,
वेद कह दीजिए उपचार से, लेकिन उपचार से वेद को वेद मत समझे। वेद में कुछ उतारना कुछ पहनना पड़ता है, लेकिन यहां तो उतारना ही उतारना है, पहनना कुछ नहीं। दिगंबर माने क्या होता है? दिशाएं ही जिनका अंबर है, माने दिशाओं के बीच में और अपने बीच में कोई प्रकार का टाट का बस्त्र नहीं, घास का बस्त्र नहीं और कोई बस्त्र नहीं। दिगंबर, दिगंबर बीज है, दिगंबर रूप है। कपड़े उतर जाएंगे तो दिगंबर हो जाओ, और विकल्प मिट जाएंगे तो निर्गंध हो जाओ। अब कपड़े उतरने पर भी अगर तुम्हारी विकल्प नहीं जुड़ी तो क्या करो? आत्महित तो करना है तुम्हें, ऐसी नहीं होगा आत्महित। छेदरला की भाषा में ज्ञान घनघान बुझा, ज्ञान की अभिचिन्न धारा बहानी होगी आपको, ज्ञान का अभिचिन्न रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। अभिचिन्न माने रोटी खाते चलते फिरते भी ज्ञान को विचार करना पड़ेगा। अंदर बीज का अंकुर आएगा, भीतर से आएगा कि नहीं? लेकिन तुम्हें नहीं आएगा कभी, इस फर्श पर कब आ जाएगा? जो जमीन नरम होगी, जो जमीन गीली होगी, जिसमें ऊपर से बीज पड़ा होगा, उसका अंकुर भीतर से आएगा। क्यों? जिसकी चित्त भूमि निर्मल होगी, कोमल होगी, निर्माणी होगा, जो स्वच्छंद में नहीं होगा, गुरुओं के अंतर्जित होगा, उसके अंतर में वेदना का बीज बोया अंकुरा। भोग भूमि में वे मुंडा स्वयं, वो स्वयं बुद्ध मंत्री का जी वहां पूछा, हम तुम्हें संगत तो देने आए। आर्य और आर्या से कहा बजंग ऋषभ देव का जी कि हम तुम्हें समुद्र देने आए, अब तुम्हारा समित्व काल पक गया, समय को धारण करो। कहा था कि नहीं? भोग भूमि जाकर अपनी चित्त भूमि को निर्मलता चाहिए, कोमलता चाहिए, आदरता चाहिए, अब देशना का बीज पड़ेगा अंकुर तोड़। इस पत्थर पर कमल की बात कर रहे हो, घास भी नहीं होगी, तो जब पत्थर पर घास नहीं होगी, ये तो प्रतीक है, पत्थर जैसे जिनके परिणाम होंगे उनके पुण्य भी नहीं, पुण्य भी बंद मोक्ष परिणाम होता है। अगर हम अनुबोधना करना जानेंगे, कराना जानेंगे, करना जानेंगे, तो पुण्य होगा। एक लाख इन दे, एक लाख इन दे, एक लाख इन दे, पांच लाख खूब आमदनी हो गई। अच्छा तुमने कितने दे दी? आमदनी तो तुम्हारी ही देखो कि हमने कच नहीं दिया, हमने जो सूची बड़े आदमी एक लाख दे दे तो कहा तो। अच्छा ऐसे बोलोगे, ऐसे सोचोगे? बोलना माने सोचना, जब सोचोगे भी नहीं तो बोलोगे कैसे? जिन्हें एक लाख दे रहे तुम एक हजार रुपये, तुम सौ रुपया दे, तुम एक रुपया दे। एक धर्मशाला में मंदिर से उतरे, भोजन किया, एक जी मिल गए, भोजन कर दे, भोजन तुम कर ले, उन्होंने भोजन कर लिया, सेठ जी ने रहते दो रुपए, सेठ जी ने दो रुपए की सिकाई, उन्हें अपनी अंटी से निकाल हुई कर दी और एक कन्नी डाली। शर्म की बात नहीं है इसमें, कुछ बात यह है ये भोजन में आज खत्म हो जाती
तो क्या करते? ये नहीं होता कि शाम को भोजन कर लेंगे, एक खाना हमने दान में व्यवस्था में। दान करो, ऐसे करो, दान दिए मन। भारत में सेंजा दानी नहीं हो, इन्हें एक लाख, अरे एक लाख गए होंगे, तुम 1,000 दे दो, तुम 100 दे दो, तुम 1 दे दो। कहीं भी सेवक के धर्म में ये नहीं दिखा इतना दान करो, ये दिखाए 10वां हिस्सा, 6वां हिस्सा, 4था हिस्सा दान करो। हिस्सा किया है जब पिताजी की करोड़ की आमदनी है तो तुम 25,000 का एहसान कर रहे हो, दो भाइयों तो 50,000 देना पड़ेगा, हिस्सा करना पड़ेगा कि नहीं? क्या हम 25,000 दे तो रहे हमका? अरे 25,000 दे रहे पिताजी की करोड़ की आमदनी थी तो उन्होंने तुमको सौंप दिया, ले बंटवारा नहीं कर पाए। अब तुमको बंटवारा कैसे करो कि दो भाई हैं तो 50,000 है, बहुत है 25,000। अरे बहुत है क्या मतलब? अतिथि सम विभाग कैसा सा बढ़िया शब्द है, सम विभाग। सम विभाग माने सम्यक रूप से विभाजन कर लेना, विषयों में सर्वसमर्पण। और धर्म कार्य में हम सोचेंगे, हम देखेंगे, देखते ही रहे हो, आज छूटी आएगी, पूरी हो जाएगी, चले जाओगे कहीं तक। एक समय में चक्रवर्ती यहां से नरक में पहुंचे, देखेंगे हम, सोचेंगे, सोचते ही जाओगे। क्या सोचोगे? कौन इसका उपयोग करेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन संभालेगा? हाँ ये देखोगे तो आप घर कौन संभालेगा? जिसमें लाखों करोड़ रुपया लगाती हो उस घर कौन संभालेगा ये बताओ? कौन देखेगा? भारत का पंडाल बनाया 1 घंटे के लिए और लाखों रुपया खत्म, 1 घंटा बाद में कौन देगा? अरे नेता मतलब बाद में कौन देगा? जब तक रहो वेद ज्ञान पूर्वक रहो और जब जाना हो तो चले जाओ, आनंद से रहो, आनंद से जाओ। समाधि मन पाठ में सम्यक दृष्टि की चर्चा है। सम्यक दृष्टि से किसी ने कहा, सुनो यह अभी मन शरीर को बचा करके रख लो, शरीर नहीं हुआ तो धर्म ध्यान भी कैसे करो? सुनो शरीर से धर्म ध्यान नहीं होता, शरीर से भेद ज्ञान होने पर धर्म ध्यान शुरू होता है, शरीर से मोह छूटने पर, भेद ज्ञान होने पर धर्म का प्रारंभ होता है। और मेरे हाथों दोनों हाथ पलट हुए, अगर यहां बचेंगे तो यहां धर्म ध्यान करेंगे और नहीं तो जहां जाएंगे वहां धर्म ध्यान करेंगे। आज ध्यान तो शरीर के लक्ष्य से होता है, आत्मा के लक्ष्य से नहीं होता। धर्म ध्यान आत्मा के लक्ष्य से होता है, शरीर के लक्ष्य से नहीं होता। जितनी दफे शरीर की शक्ल दर्पण में देखोगे उतनी बार पाप होगा, आज ध्यान होगा। और जितनी बार जिन मुद्रा को देखकर अपने स्वरूप का विचार करोगे उतनी देर पुण्यवान हुआ। केवल अधूरा पढ़ना मत जानो, उतना ही बस बढ़िया बस खत्म। दान दे बना रख विधि के और वो नहीं नाच नाच कर गाय गाय के लगाए मन बद चाह तो तुम्हें नहीं हम ही लेंगे। अरे तुम देवे पहले सोच के आए थे कि नहीं? यही बाप बन गए, आज तो हम इन्हें नहीं रहने देंगे हम लेंगे। अच्छा नहीं रहने देंगे ये क्यों कहा था? आपने पुराण पढ़े
राजा ने ये सोचा इन मुंडाज को हम ही आहार देंगे, कोई इनका द्वारा पेचन नहीं था और राजा न आहार दे पाया। तीन बार, एक बार में राजा को क्या हुआ हाथी विजुत हुआ, दूसरी बार में क्या हुआ आग लग गई, तीसरी बार में राजकाज के में व्यस्तता हो गई। तीनों बार वे मुंडाज जा रहे थे, उनको किसी ने कहा हाय हाय ये राजा कहता है इसके परिणाम कहते हैं, न तो आहार देता है ना आहार देता। गिर पड़े, निदान हो गया, बंद हो गया खोटा, बदले की भावना जग गई, इसका पुत्र होकर के मैं इसका बदल लूंगा, पिंजरे में इसको बंद करूंगा, भूखा रखूंगा वहीं। और इतिहास शास्त्रीय परंपरा शास्त्रीय वो क्या नाम हरिवंश पुराण, वो जाकर के कंस का जी बना और कंस वो उग्रसेन को कंस ने जब जाना ये पिताजी हमारे पिंजरे में बंद कर ऊपर नगर के बाहर लटका दिया, इन्हें हमें निकाल दो, पालन पोषण नहीं किया हमारा। अरे भैया निकाल दो, जन्म तो दिया है उनको, अगन कहया अगन को अगन कहेगा उपकार तो मानो। और फिर तुम करने वाली होते कौन हो हेल्थ प्राण में, कंस ने उपदिन से इस प्रकार से बदला, वो बदला लेने का भाव न जगा। ये राजा आहार न देता है न आहार देता है, अंतराय मत करना कभी किसी का। तुम्हारा भाव अच्छा है तुम भी देव, हमारा भाव हम खुद करने नहीं, तुम मत करो तो हम करें, ये कोई बात है। हम मर जाएंगे तो तुम्हारी हमारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी, क्यों ऐसा भाव करते हो? तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जायदाद हमें मिल जाएगी। अरे जिसका उदय का सामग्री है उसको उसी प्रकार की मिलेगी, जैसा कर्म का उदय है ये कर्मजनित परिणाम जीव के स्वयं के कर्म है, बाहर के नहीं लाए गए, बाहर कोई बांट नहीं सकता। अरे तुम्हारी माँ भी सिरदर्द हो गए तो बैठ सकती है, बांट नहीं सकती। बेटा भगवान की याद कर ये कह सकती है, ये बांटना समर्थ के बांटे, बांटना संभव नहीं है, कर्म काटे ही जाएंगे, पीता भाव से कर्म बांटे नहीं जाएंगे। सुख दुख कोई न बांट सके यह परम तत्व, लेकिन परम तत्व के आश्रय से समझ में आएगी, नहीं तो जे लगेगी हम इनका बांट रहे, हम इनको खिला रहे, हम इनको पिला रहे, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हें बचा दिया, ये काय को इंकार कर रहे, तुमने कुछ नहीं किया ये क्यों नहीं झूठ रहे, हमने तुम्हारे लिए इतनी सुविधाएं उठाई, तुम्हारे लिए ये सुविधाएं झुकी हैं पुण्य के उदय, तुम अपने में भेद ध्यान कर, तुम्हें ही करने वाले संकल्प शक्ति अंदर में जागृत होना चाहिए। इतनी करना है बस, चुप रह गए हम हित करना है, पाठ पढ़ गया। अरे पाठ तो पढ़ गया, ठीक किया तुमने, लेकिन पाठ का विचार भी तो करो, कुछ सोचो उसको, हित करना है तो कैसे करना, हमें पूरी बनानी है तो रोटी के आटे से पूरी नहीं बनेगी, पूरी के आटे से रोटी नहीं बनेगी,
पूरी तुम्हारे लिए बनाना शुरू किया। तुमने कहा आकर के भाई तबियत खराब है, रोटी बनना। अच्छा भाई जी छठे पानी ज्यादा और दो रोटी ऑर्डर, क्यों उसी आटे की बना दी थी? नहीं बने। कोई कुम्हार कितना ही होशियार हो गए लेकिन बालूका घड़ा नहीं बना। बना सकता है? न समझने वाले को कोई नहीं समझा सकता। उल्टा घड़ा फूटा घड़ा स्वयंभू समुद्र में जाकर के भी नहीं भरे, सी सागर में भी नहीं भरे। और सीधा हुआ तो भर जा। वो पानी की बूंद ऐसे सूख गई उसमें घड़े में और चिकने घड़े में कम गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया कहना ये थोड़ा सा पुण्य मान देना है। अब आगे है जिन्हें बढ़िया भी नहीं लगता, लेकिन जिन्हें बढ़िया लगता है लेकिन सच्चा नहीं लगता, क्या कहें? पात्रता। पात्रता तब जगी जब सच्चा लगा। बात तो सच्ची है। सचमुच संसार का वैभव असार है, अंतर का वैभव सार है। हम कह रहे इसलिए नहीं आज सारभूत हो गया हो, आज कुछ बदलाव हो गया हो, ऐसा नहीं। वस्तु का स्वभाव बदलता नहीं। अनादि से अनंत काल तक और तीन लोक और तीन काल में जितने भी स्थान हैं, तीन लोक में एक एक प्रदेश और अलोकाकाश भी देख लो, लोकाकाश का जीव अलोकाकाश में नहीं जाता। अलोकाकाश में आकाश के अलावा कुछ नहीं। उद्गल धर्म अधर्म आकाश का और जीव अलोकाकाश क्यों कहेंगे? केवल आकाश जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं, छह द्रव्य दिखे जाते हैं, वह आकाश का लोकाकाश। टीका में तो बहुत सुंदर अर्थ किया, लोकाकाश माने जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं वो तुम्हारा लोक नहीं, जहाँ छह द्रव्य दिखे जाते हैं वो तुम्हारा। तुम्हारा लोक तो ज्ञानमय है, हमारा रोग के संसारी रोग नहीं है। छह द्रव्यों का समूह एक प्रदेश ऐसा बताओ जहां पर द्रव्य दुखाकार नहीं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां कोई पर द्रव्य दुखाकार हो। परमाणु मात्र ऐसा नहीं है जो अपना हो। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है, परम सत्य है, लेकिन परम सत्य की प्रतिजी भी परम तत्व के आश्रय बिना संभव नहीं है। परम तत्व की अनुमोदना भी कथा की ममता के बिना संभव नहीं है। जिनवाणी सुन करके ये समझ में आए संसार अवतार है, मंद कथा के संभव। अभी हम लोग यहां बैठे हैं, एक कथा की हो जाए तो यहां बैठ नहीं पाऊ। कर्मी बहुत है यहां, बस आ गई। अरे गर्मी बहुत है, कथा जी बड़ी गर्मी है, नरक से ज्यादा गर्मी है, गर्भ से ज्यादा गर्मी है, यहां एक खिड़की नहीं, एक भी वेंटिलेशन। आके माता के घर में, माता के घर में कोई वेंटिलेशन था? ध्यानदराज जी ने क्या लिखा, भूल गए कि तुम निकले हो, तुम कहां से निकले हो पता है? सुविधाएं देख रहे हो अब तुम? अरे सुविधाएं नहीं,
संस्कार देखो। जहां सुविधाएं छोड़ करके घर की आए हैं, तीर्थ में धर्म ध्यान करना सीखो। बोले 15 मिनट आज देर में हुआ तो हमें कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे एक बात कहें, गुण कर सकते कौन से धर्म का के लिए पाप का, बेकार ही कोई गुण नहीं हुई, यही कार्य मैं आगे पीछे कर दूंगी। कभी सोचा कि आज प्रवचन तो जानते ही होगा, भोजन नहीं हुआ, नाश्ता नहीं हुआ, कोई बात है, पाप कार्य के लिए धर्म कार्य तो गुण करोगे, लेकिन धर्म कार्य के लिए पाप कार्य भी गुण करना सीखो, वहां से समय बचाना सीखो। कमजोर रहेंगे कोई बात नहीं, 1 घंटा कमजोर रहें, स्वाध्याय तो हम करेंगे, समय तो हम करेंगे 15 मिनट कमजोर रहेंगे कोई बात नहीं, प्रचार तो हम करेंगे, जल्दी उठ जाएंगे कोई बात नहीं, देर हो जाते देर तक रखे रहो तो हमारे और उठ डालो। कई मंदिरों में तो ऐसी खराब व्यवस्था है कि भगवान फिर थाली में रखे 12 बजे तक रखे हैं, तुम पानी जाते बे आए बे पानी जाते बे आए बे करता जाते हैं, उन्हें सोचते ही धर्म हो गया, अपना फरमाज छोड़ने के लिए तैयार हो। मैं याद है पहले घड़ी इतनी नहीं होती, अब तो हाथ हाथ में घड़ी बनी, और घड़ी नहीं है तो मोबाइल में ही घड़ी, लेकिन पहले प्रचार का घंटा बजते ही आप आते, प्रचार को घंटा बजो, चलो मंदिर का घंटा बाजे टन टन टन, कहते थे प्रचार का घंटा, स्वाध्याय का घंटा बजेगा, घंटा बजते ही भक्ति देखा थे, कहते न हो जा प्रचार निकल जाएगा, फिर कहा देख रहे प्रचार तुम्हारी फिर पीछा करेगा, फिर तुम प्रचार के लिए भगो, स्वाध्याय तुम्हारी फिर पीछा करेगा, तुम स्वाध्याय के लिए आओगे, ये तुम्हारा टेंशन है। दर्शन बिना, अगर स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है तो ध्यान रखो समय के बिना स्वाध्याय। बाहर के नलों से टंकी भरी नहीं जाती, खाली होती है, भरने के लिए भीतर का नल चाहिए, टंकी बना के भीतर का नल और बाहर का नल, क्यों भीतर का नल भरने के लिए और ऊपर का नल बाहर का नल सप्लाई के लिए, ऐसे ही आप समझो, जितना उपयोग शांत होगा मौन होगा अंतर्मुखी होगा आप भरे हो गया, और जितना उपयोग बाहर हुआ बर्बाद होगा, इंद्रिय ज्ञान बर्बादी का कारण है। इंद्रिय ज्ञान माने इंद्रियों के माध्यम से विषयों में लगने वाला ज्ञान, जिसको के आचार्यों ने अज्ञान कहा। शरीर कमजोर है, अरे शरीर ही तो कमजोर है, हम थोड़ी कमजोर हैं, शरीर कमजोर हो ऐसे तो शरीर के आश्रित होने वाले काम कम कर दो, तुम्हारा पाचन कमजोर तो खाओगे कम, शरीर कमजोर है तो शरीर के आश्रित से होने वाले काम कम करो, घटाओ घटी जान, शरीर ही कमजोर है आप ध्यान मत करो, शरीर कमजोर शरीर कमजोर शरीर क्या करें क्या करें, विज्ञान करो, शरीर ही कमजोर है आत्मा तो कमजोर नहीं है,
और जिस शरीर को कमजोर कह रहे हैं हम, बहाना बना रहे हैं धर्म ध्यान के लिए, वो शरीर की कमजोरी धर्म ध्यान में बाधक नहीं। उपयोग की कमजोरी, परिणाम की कमजोरी, वो धर्म ध्यान में बाधक नहीं। शरीर तो अरहंतों के भी होता है, साधजनों के भी होता है, ज्ञानियों के भी होता है, लेकिन शरीर में मोह किसी को नहीं होता है। अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर सर्वजनक ज्ञान ना धरे किए न जने की। शरीर को लक्ष्य करके अध्ययन करते करते कितना समय हो गया, अभी भी शरीर का ही लक्ष्य कर दे रहे हो। आत्मा का लक्ष्य करके धर्म कब करोगे? शरीर ही है, अरे शरीर ही है, ही लगाओ। शरीर कमजोर है, आत्मा कमजोर नहीं। शरीर बीमार है, माथे में दर्द है, इसका मतलब आत्मा में दर्द नहीं। नीचे दो या ना माथे में दर्द कहता है और माता मेरे में दर्द, मेरे में दर्द मानता है। कहता सही भिन्न और मानता है अभिन्न। टोटा मजली का वाक्य बहुत सुंदर है, सुंदर तो होगा ही वस्तु स्वरूप के अनुकूल। जिस प्रकार शरीर और आत्मा को एक मानता है, जिस प्रकार का क्या है, सर्व प्रकार से भीतर में बाहर में वचनों में मन में विचारों में शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। तुम्हें स्वाध्याय की पड़ी, हमारी तबीयत खराब है। हाँ। अरे तबीयत खराब है तो स्वाध्याय करो तभी ठीक हो जाए। स्वाध्याय की तबीयत खराब नहीं है, अरे हम तुमसे कल मौसमी दस्ती है तो नहीं कहोगे, तुम्हें तभी मौसमी की रस पड़ी, हमारी तबीयत खराब गट गटती चले स्वाध्याय तुम्हारा रस पीने के लिए। सोचो हमारा उपयोग किधर, हमारी परिणति किसे जाती। पद्मानंद जी स्वामी ने लिखा, भाई प्रातःकाल होते समय में तुझे न आत्मा याद आता, न परमात्मा याद आता, न जीवन का लक्ष्य याद आता है। ऐसे ऐसे रोग हैं हमें मालूम ही नहीं, रोटी खाए हुए बैठ गए और ये आ जाते हैं अवेलोपैथी में। आज सोमवार है पता ही नहीं और खाने बैठ गए। अरे प्रातःकाल बुद्धिपूर्वक अपने लक्ष्य का भी स्मरण करो, आज कौन सी तिथि है ये भी स्मरण करो, इस दिन मन किस लिए मिली है ये भी सोचो। हम यहाँ काय को बैठे भगवती आराधना में लिखा, भैया तू शिक्षा के समय के परिणाम तुमने काय के लिए दिया, काय के लिए ब्रह्मचारी हुए तुम, परिवार के मुंह में मरने के लिए। हमारी मां नहीं रही, अरे जिनवाणी के रहते हुए कैसे कहते हो हैं? जिनवाणी के रहते हुए हमारी मां नहीं है, इसका मतलब है मां कहती तो है जिनवाणी को, समझते समझो। अंतर बाहर में एक ही, द्वैत तो नहीं, ये दोहरी नीति नहीं, क्या भीतर में कचोर बाहर में कचोर ना। जिनवाणी मां के रहते हुए हमारी मां नहीं, कहा नहीं रही। खूब जिनवाणी का स्वाध्याय करो, अनाथ मत देखो। अनाथ वह है जिसे अपने वैभव का पता नहीं, जिसे चेतन नाथ की
खबर नहीं, जिस जिन्नात की भक्ति नहीं। जब तुम्हारे अंदर में जिन्नात की भक्ति जगेगी तभी तुम्हारा अनाथ मनाथ हो जाएगा। कहेगा अनाथ, अनाथ तो वो है जिसके पास जिन्नात की खबर नहीं है, भक्ति नहीं है, चैतन्य कोई खबर नहीं। तुम्हारे चेतन में कैसी कैसी शक्तियां उछल रही हैं। एक बार चेतन की महिमा को पहचान, हम बोलते